हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले कह सकते हैं 30 मिनट्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि पीजी का जो फर्स्ट मेट लिस्ट है उसके लिए कल लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया गया है, बस अपलोड करना था। एंड सबसे अच्छी बात है कि अपलोड भी इंस्टेंट कर दिया गया है, सुबह 9:00 में 9:30 तक जो मेरिट लिस्ट है उसको अपलोड कर दिया गया है गाइस। तो आप अपने लॉगिन आईडी डिटेल से जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस इसके पिछले वीडियो में बताया, कल के वीडियो में बताया, तो आप प्रोसेस के जरिए से आप अपना मेरिट लिस्ट में चेकआउट कीजिए कि आपका लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं, आपके लिए कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, कौन सा या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया है, वो आप चेकआउट कीजिए फटाफट। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए ताकि तो जो तमाम सारे कॉलेजेस है या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से ऑनलाइन कंप्लीट होगा, यहाँ तक कि आपका कंप्लीट करके भी प्रोसेस करके वीडियो देंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट इसका मिल सके। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है, हड़बड़ाहट नहीं करना एडमिशन में। अगर आप हड़बड़ाहट करते हैं तो वो गलती हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एडमिशन का प्रोसीजर फुली ऑनलाइन होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको स्टेप्स बताता हूँ किस तरीके से मैं चेक किया हूँ, उसी तरीके से आपको भी चेकआउट करना है। तो चेकआउट करने के लिए क्या करना है, देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेक करके रखा हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है होम व्यू एप्लीकेशन मेरिट स्टेटस का, इसी के बारे में आपको बार बार बता रहा था कि मेरिट स्टेटस का एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आ चुका है। अभी फिलहाल मैं आपको एक चेकआउट करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं हमारे पास एक लॉगिन आईडी डिटेल्स है। और क्या करना है डिटेल्स को चेकआउट करने के लिए, अभी क्या करना है आपको होम पेज पे आना है। देख सकते हैं कि ये आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है जहाँ पे आपने अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन को हटा दिया गया है जिसमें आपने वोकेशनल कोर्स और रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया था। ध्यान रखिएगा कि ये अगेन ऑप्शन आएगा 2 फरवरी से। तो अभी आप जिसका जिनका भी लिस्ट में नाम आ गया है, जिनका मनपसंद नहीं मिला है या फिर जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो, आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। जो कैंडिडेट एक बार पेमेंट कर चुके हैं वो दोबारा पेमेंट करने की जरूरत उनको नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो 400 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज था वो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं। वैसे कैंडिडेट जिनका नाम आया है लेकिन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, पसंदीदा यूनिवर्सिटी या पसंदीदा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया है, देन वो वेट करेंगे, वो सेकंड लिस्ट में फिर से उनके नाम आएगा। अगर फर्स्ट लिस्ट में सीट रह जाता है तो सीट अभी है, परेशान नहीं होइएगा, अभी लगभग 6500 सीट्स पे अलॉटमेंट हुआ है और तकरीबन यूनिवर्सिटी के पास 8000 के आसपास सीट है। तो 1500 कुछ ऐसे पार्ट है जो कि वोकेशनल कोर्स का है या फिर जिसमें कुछ टाइम लगेगा, वो सीट पे अभी अलॉटमेंट नहीं किया गया है, लेकिन अभी सीट है, हड़बड़ाइएगा नहीं। जिनका भी कैंडिडेट का जिनका भी लिस्ट में नाम आया है वो अपना मनपसंद का अगर आपको मिला है देन आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए, अगर मनपसंद का नहीं मिला है देन आप छोड़ सकते हैं, सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। बट हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि सेशन आपका गैप नहीं जाए। तो अभी मैं एडमिशन के पोर्टल पर हूँ और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, आपका लिस्ट चेक करने के लिए एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, देख सकते हैं हमारे पास एक यूजर नेम एंड पासवर्ड है। मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिलअप करता हूँ और फिलअप करने के बाद आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ ऑप्शन इसमें आ रहा है। जैसे देख सकते हैं अभी मैंने फिलहाल में ट्रेडिशनल कोर्स के लिए चेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं 21T करके है, इसका मतलब ट्रेडिशनल कोर्स के लिए है, और 21B करके होता है तो वोकेशनल कोर्स के लिए होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है मेरिट स्टेटस का, आपको मेरिट देखने के लिए मेरिट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप मेरिट स्टेटस पर क्लिक करते हैं यहाँ देखिए ऑप्शन दिखा रहा है, इनका एमए इकोनॉमिक्स में अप्लाई था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारे कॉलेज थे इनमें से इनका एक कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ सबसे नीचे वाले कॉलेज में, तो वो डिपेंड है आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स पे कि कौन सा अलॉटमेंट होता है। जितना आपका ज़्यादा ग्रेजुएशन में मार्क्स रहेगा, जितना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा, उतना आपको द बेस्ट फैकल्टीज आपको अलॉट होता है। तो इनका देख सकते हैं मैंने सारे ऑप्शंस को फिल किया था, दिन का अलॉटमेंट देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एमए इकोनॉमिक्स में इनका अलॉटमेंट हुआ है और इनका जो कॉलेज का नाम है आप देख सकते हैं RLSY कॉलेज बख्तियारपुर। एंड यहाँ पे डाउनलोड ऑफर लेटर का ऑप्शन है, एक जैसे ही आप डाउनलोड ऑफर लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फाइनली आपके पास एक PDF ओपन हो जाता है और PDF में क्या कुछ डिटेल होता है PDF के डिटेल को समझ लीजिए। इसमें देखिए क्या सारा डिटेल है, इसमें आपका एप्लीकेंट का नेम है, इसमें यहाँ पे फादर का नेम है, यहाँ कैंडिडेट का जो नेम है नेम दिखाया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पे इनका मेरिट लिस्ट में इंडेक्स क्या है, सीरियल नंबर रहेगा आपका ध्यान रखिएगा, कैटेगरी कौन से कैटेगरी के जरिए से आपका अलॉटमेंट हुआ है, डोमिसाइल आप कहाँ के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा एडमिशन का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन से कंप्लीट होगा और एक कॉन्फिडेंशियल कोड के सपोर्ट से कंप्लीट होगा। ये कॉन्फिडेंशियल कोड ही पोर्टल पर फिलअप करके आपका सारा डिटेल उस कॉलेज की वेबसाइट पर आ जाएगा इसी कॉन्फिडेंशियल कोड के सपोर्ट से। जैसे इनका अभी अलॉटमेंट हुआ है RLSY कॉलेज बख्तियारपुर, तो जैसे ही RLSY कॉलेज के बख्तियारपुर की वेबसाइट पर जाएंगे और अपना यूजर नेम जो 21T करके जो यूजर नेम था वो यूजर नेम के साथ लॉगिन होंगे तो वहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा और वहाँ पे फिर ये कॉन्फिडेंशियल कोड मांगा जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंशियल कोड बेहद इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन बताया गया कि जो फाइनल सीट का अलॉटमेंट है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट पे हुआ है और मे बी ये चेंज कर सकता है ड्यूरिंग एडमिशन, डिपेंड करता है सीट रहने पर, अगर सीट रहता है तो ये चेंज भी हो सकता है, परेशान नहीं होइएगा। तो सेकंड लिस्ट का इंतजार वैसे कैंडिडेट करेंगे जिनको मनपसंद नहीं मिला है उनके लिए ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट हु हैज प्रोविजनली क्वालिफाइड, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए वो क्या करेंगे अपने कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे फॉर सीकिंग फाइनल एडमिशन विद द ड्यूरेशन ऑफ ऑन गोइंग मेरिट लिस्ट। आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है एडमिशन लेने वगैरह में, ऑनलाइन का प्रोसेस वगैरह में, देन फिर अब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अब आप विजिट करेंगे जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज में। थर्ड पॉइंट बताया गया कि एप्लीकेंट हैज़ टू प्रोड्यूस ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, डॉक्यूमेंटेशन के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होगा। तो अभी हर कॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आएगा डेट, अभी आपको बस पेमेंट करना है ऑनलाइन और ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना रहेगा जिसका डेट है आपको 25 से लेकर 31 तक। आज मैं लगातार कुछ सारे कॉलेजेस का आपको एडमिशन किस तरीके से लेना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, किसमें कितना पेमेंट करना है, वो सारा डिटेल तेज गति से फाइंड आउट करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। साथ में आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग द आपको एडमिशन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स होगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हो देन आप अंडरटेकिंग के फॉर्म को सबमिट कीजिएगा, आप टाइम लीजिएगा, बट सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और आपको बताया जाता है कि करंट अपडेट के लिए नोटिस के लिए आप
https://admission.ppuonline.in पे आपको विजिट करते रहना है ताकि सारा अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। सो गाइस ट्रेडिशनल कोर्स का आ चुका है, वहीं अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए, अगर मैं वोकेशनल कोर्स का भी हमारे पास आईडी एंड पासवर्ड है, अगर मैं वोकेशनल कोर्स के लिए चेकआउट करता हूं तो वोकेशनल कोर्स में थोड़ा सा शायद मैं भी लेट है। कारण है कि मैं वोकेशनल कोर्स के लिए एक दो बार चेक कर चुका हूं और देखिए मैं फिर से भी एक बार चेकआउट करता हूं वोकेशनल कोर्स के लिए कि इसमें अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है अभी तक। सो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास एक वोकेशनल कोर्स का आईडी पासवर्ड था। देखिए मैं वोकेशनल कोर्स के लिए लॉगिन हुआ तो यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो वोकेशनल कोर्स के लिए अभी मेरिट लिस्ट नहीं आया है। जैसे ही आएगा वो भी हम आपको अपडेट देंगे, परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑप्शन आपको मेरिट लिस्ट का वोकेशनल कोर्स के लिए नहीं मिलता है। साथ में आपको बता दें कट ऑफ लिस्ट को भी अभी जारी नहीं किया गया है, कट ऑफ लिस्ट भी आएगा धीरे धीरे वेबसाइट पे। जैसे ही आएगा वो सारा अपडेट फिर नेक्स्ट वीडियोस के जरिए से लाकर हम आपको बताते जाएंगे। साथ में आपको बता दें हर कॉलेज का कट ऑफ का रेंज अलग अलग है, अभी कट ऑफ का लिस्ट नहीं आया है कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है। लेकिन फिलहाल मैं एक बार फिर से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं वेबसाइट पर कि क्या चेक करने का प्रोसेस है। मे भी थोड़ा सा लेट भी हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेकआउट करने का प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से आपको कट ऑफ लिस्ट को चेक करना है। जैसे ही आप आते हैं इसके वेबसाइट पे यानी एडमिशन पोर्टल पे, तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको जो अपडेटेड का जो लिस्ट दिखेगा यहीं पे ऑप्शन आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ही ऑप्शन आएगा जिसमें ऑप्शन में आपको बताया रहेगा कट ऑफ लिस्ट करके एक ऑप्शन आएगा, या फिर यहाँ पे पॉपअप इस तरीके से यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ शो करेगा, उसी ऑप्शन के जरिए से आपका कट ऑफ लिस्ट चेकआउट करेंगे हर कॉलेज के लिए। तो वो भी जैसे आता है हम आपको बताएंगे। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। एंड प्लीज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे फर्दर इन फ्यूचर जो भी सारे अपडेट है वो टू द टाइम आपको मिल सके। और एडमिशन के पूरे प्रोसेस में हम आपके लिए स्टैंड अप रहेंगे, आप फ्रीली रहिए, सारा प्रोसीजर्स आपको धीरे धीरे वीडियोज़ के जरिए से आपको बताते रहेंगे।